हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफ स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई से रिलेटेड है, यानी कि इनकी वजह से जो जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। क्लास के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर मार दीजिएगा। इसके अलावा आपके दो स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपके टॉपिक्स क्या हैं और अपने हिसाब से आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपके चार क्लासेस हम लेते हैं उन चारों के चारों क्लासेस में से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो कोशिश किया करिए कि कोई भी क्लास जो है वो मिस मत किया करिए। और ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ये क्लास आपका शाम को 4:30 बजे यूट्यूब पर होता है। इसके अलावा आपका जो करेंट अफेयर्स का क्लास है ये 7 बजे होता था, इसके टाइम को 6:45 AM कर दिया गया है ताकि आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे आसानी से कवर हो जाए और आपका कोई भी क्लास ना छूटे। ये क्लास आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज इसी चैनल पे होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा तो आगाज करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम जरा कुछ सवाल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि होती है किसके द्वारा? वायरोला वायरस के द्वारा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा स्मॉल पॉक्स। इंडिया की बात अगर करो तो इंडिया को बोला जाता है कि वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप पोलियो की बात करोगे तो पोलियो के लिए भी बोला जाता है कि इंडिया जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है। मीजल्स की बात करो तो इंडिया के अंदर मीजल्स के केसेस अभी भी पाए जाते हैं, बट जो श्रीलंका है वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है कि दिस इज मीजल्स फ्री। अगला सवाल, लेप्रोसी। जब हम लेप्रोसी की बात करते हैं तो लेप्रोसी जो है वो किसकी वजह से होती है, यानी कि इसका रीजन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। लेप्रोसी में ध्यान रखिएगा कि अभी तक इसकी कोई मेडिसिन या फिर कोई इसका जो ड्रग है वो डेवलप नहीं हुआ है लेप्रोसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीजल्स। देखो, स्कर्वी की बात करोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। डायबिटीज भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती है, ये हेरिडिटरी है। यानी कि हेरिडिटरी का मतलब क्या है? नानी को है तो मम्मी को है, मम्मी को है तो उनकी बेटी को है, राइट। कम्युनिकेबल का मतलब है कि गोलू को है, गोलू ने छुआ कलुआ को और कलुआ को भी ये बीमारी हो गई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कम्युनिकेबल, जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। अगला है यहाँ पे, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। आपको मालूम होगा प्लाज्मोडियम, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है? फीमेल एनाफिलीज होती है। सवाल, आप मुझे ये बताओ मॉस्किटो डे कब मनाते हैं और मलेरिया डे कब मनाया जाता है? मलेरिया को पूरी तरीके से भारत में से खत्म करने का जो टारगेट है दैट इज 2030। अगला सवाल, एथलीट्स फूट, ये जो डिजीज होती है ये किसकी वजह से होती है? व्हाट इज द मेन रीजन? इसका आंसर है ये फंगस की वजह से होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो आपके पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो बीच बीच में कट जाती हैं, वाइटिश कलर की हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? एथलीट्स फूट होता है। ये स्पेशली आपको फार्मर्स या जो किसान वगैरह हैं उनमें आपको ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला, हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट सुनिएगा, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने का जो टारगेट है वो है हमारा 2025 में, इसको ख़त्म करने का जो टारगेट है वो रखा गया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो टारगेट रखा गया है, आपसे पेपर के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो बता दो टीवी डे कब होता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला सवाल, चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स जो है ये किसकी वजह से होता है? तो अगेन ये तो वायरस की वजह से ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्सेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। आधे बच्चे इसको मार्क करके आएंगे, बट इसका आंसर क्या है? वर्सेला जोस्टर। अगला, कहा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग मैच है, यानी कि पेयरिंग के हिसाब से जो कि गलत तरीके से यहाँ पे मैच है? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉलरा जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। वोपिंग कफ बैक्टीरिया की वजह से होगा। बार्ले जो है वो फंगस की वजह से होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका बैसिलस, ये याद रखना, ठीक है। डेंगू, अब आप जानते हो डेंगू हो या फिर येल्लो फीवर हो, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी मॉस्किटो की वजह से होती हैं, मच्छर की वजह से होती हैं, राइट। बट दिस इज व्हाट, वायरस ही तो होता है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्योंकि वेक्टर अगर पूछा जाए जो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है वो है ना क्या? मच्छर।
लेकिन कहा जा रहा है इज कॉज्ड बाय, तो वायरस होगा। अगला इन्फ्लुएंजा, ये जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वायरस की वजह से ये होती है। पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज़ इनको ऐसे ही वन लाइनर में करके रट्टा मार के जाना है पेपर के अंदर। अगला सवाल काला आजार, माइकोसिस, रेबीज एंड लिप्रोसी, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका आंसर क्या होगा, काला आजार जो है वो प्रोटोजोआ हो जाएगा, माइकोसिस की बात करोगे तो फंजाय हो जाएगा, रेबीज की बात करोगे तो ये वायरल हो जाएगा, और लेप्रोसी की बात करोगे तो ये बैक्टीरियल फंगल की वजह से होता है। अगला सवाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से पोलियो होता है, तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा, वायरस की वजह से होता है। अभी आपने देखा होगा कि वाइल्ड पोलियो मुक्त भारत को घोषित किया गया था, जी नहीं, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को घोषित किया गया था, जिसमें से जो नाइजीरिया था वो सबसे आखिरी कंट्री बना था जहां पे केसेस थे, ठीक है। अगले पे आ जाओ, सॉरी, अगला है विच वन ऑफ दीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी इसमें से बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोनोरोआ इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि वायरल डिजीज है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मेनिनजाइटिस, ये आप सभी को पता है, मम्स ये भी मालूम है, एंड चिकनगुनिया। काला आजार जो है वो आपका वायरल डिजीज का हिस्सा नहीं है। अगला कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी मलेरिया ड्रग के रूप में। अब देखो कोरोना के ऊपर तो सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो आपसे एक दो और बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, तो एंटी मलेरिया ड्रग जो है वो कौन सा है, क्लोरोक्विनिन। अब आप कहेंगे मैम ये सवाल क्यों बनाया, भाई इस सवाल को बनाने का रीज़न था क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोविड के केसेस होना स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले इसी वाले ड्रग का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल हु इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट है जोनस साल्क, इन्होंने कौन सी वाली वैक्सीन या फिर किसके लिए वैक्सीन को डेवलप किया, तो पोलियो के लिए इन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट नाम है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक एक पॉइंट जो तुम्हारे लिए क्रिएट किया जाता है, एक एक शब्द तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो क्लास 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट पर्टिकुलर क्लास जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलें वो ये सारे क्लासेस होते हैं। अगला सवाल एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये एड्स की डायग्नोसिस के लिए होता है, एंड 1st of December को HIV डे सेलिब्रेट किया जाता है। रोड, या देखो कई बार होता है ना आपसे पूछा जाता है कि रॉड शेप क्या होता है, या फिर कुछ लोग इसको रोड भी पढ़ते हैं, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ रॉड, रॉड आपने देखा है ना, रॉड शेप की चीज़ें होती हैं, तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बेसिलस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिलस। सवाल टीवी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक ऐसा कुछ है, कुछ तो है XYZ, मुझे नहीं पता तुम बताओगे, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको क्योर करने के लिए, आंसर करके बताना कमेंट बॉक्स में। वायरस कंटेंस, वायरस में क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें न्यूक्लिक होता है एंड प्रोटीन होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना DNA में क्या होता है, RNA में क्या होता है, उसी तरीके से वायरस में दोनों चीज़ें होती हैं। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस, अब यार ये तो आंसर कर ही लोगे, इसका आंसर क्या बनेगा, मर्स एंड साग दोनों क्या है, कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं, और इस बार का जो इसका नाम दिया गया है वो क्या है, SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो वायरस बैक्टीरिया और फंजाई से जुड़े हुए थे, मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, बस इसको चलते फिरते कभी भी दिन भर में बस देख लीजिएगा। और अभी आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM के क्लास में, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स का क्लास, क्लास में लाइव आना मत भूला करिए। और इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक पेड क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में मौका है, 1st of September से बैच स्टार्ट हो रहा है, और आपके जो अगस्त ऑफर हैं ये अब ख़त्म हो गए। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, टेस्ट को मिस मत किया करिए, एनरोल कर लिया करिए, Kruti10 कोड लगेगा, और अनअकैडमी पे अगर आप किसी भी पेड बैच को ज्वाइन करते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Kruti10। तो चलिए मिलते हैं आपसे 6:45 AM पे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।